अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, फिटफाट होंगे। और आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो है कि अपने हाथों और पाँव की सफाई आप कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने हाथों को सॉफ्ट फेयर बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सी आसान सी चीज़ें हैं और गर्ल्स को अपनी जो ब्यूटी का ख्याल ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली हाथों और पाँव का। हाथ और पाँव ही अच्छे हों तो बहुत ज़्यादा बंदा कॉन्फिडेंट में रहता है। ठीक है, और इसके लिए मैं एक बाउल ले लूँगी इस रेमेडी को बनाने के लिए। इसमें मैं लेमन जो है वो हाफ लेमन जो है इसको निचोड़ लूँगी। ये देखें, मैंने इसमें हाफ लेमन जो था इसको मैंने निचोड़ लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी रोज़ वाटर, ठीक है, एक आधा चम्मच रोज़ वाटर का। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें डलेगा वो है बेकिंग सोडा, एक चम्मच बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा का इसमें भी मैं डाल लूँगी। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारे पास मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हमने अपने हाथों को और पाँव को पहले अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, ठीक है, ताकि जो डस्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए हाथों से। फिर उसके बाद आपने किसी ब्रश की हेल्प से इसको अपने हाथों पे और पाँव पे लगा लेना है, खुश्क होने के लिए छोड़ दें। जब ये खुश्क हो जाएगा तो आपने स्पंज की मदद से इसको साफ कर लेना है या सिंपली पानी से धो लें। ठीक है, इसको हफ्ते में आपने 2 से 3 दफ़ा करना है और देखिएगा आपके हाथ और पाँव कैसे वाइट होते जाएंगे, सॉफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, नरम मुलायम हाथ हो जाएंगे कि आपका बार बार खुद टच करने को दिल करेगा। तो ये थी मेरी आज की टिप जो कि बहुत ईजी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।